तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर शेयर में SGX टेक्नोलॉजी का जो IPO था यहाँ पर पूरा फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो चुका है, ओवर सब्सक्राइब हो गया जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो अब इसका लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या है देखेंगे हम। यहाँ पर देख लीजिए शर्मा SGX टेक्नोलॉजी IPO डिटेल्स। तो 12 तारीख को ओपन हुआ था, 18 को क्लोज होने वाला, यानी कल ये क्लोज हो जाएगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका इतना था, 68 शेयर थे आपके एक लोट के अंदर, अगर आप एक लोट के लिए अप्लाई करते हैं तो। और हमेशा जैसा कि आपको बताया कट ऑफ प्राइस पर ही आपको अप्लाई करना है, तो आपको ये मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ सब्सक्रिप्शन स्टेटस आप देखते हैं, 17 अगस्त दोपहर 1:30 बजे तक का स्टेटस आप देखते हैं। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर में आप देखेंगे तो 2 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है, 2.08 गुना सब्सक्राइब हुआ। वही नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर के अंदर आप देखेंगे तो 1.56 गुना सब्सक्राइब हुआ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स में। आप यहाँ देखेंगे कल बिल्कुल नहीं था, जो कि आज 0.25 गुना सब्सक्राइब दिखा रहा है। टोटल सब्सक्रिप्शन इसका देखेंगे तो 1.42 टाइम्स सब्सक्राइब ये हुआ है। तो ओवरऑल इसका सब्सक्रिप्शन आज अच्छा रहा। उसी के साथ साथ अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया तो इसमें कर देना, क्योंकि इसके फाइनेंशियल रिपोर्ट जैसे कि मैंने आपको बताया था 2020 में आप देख लीजिए 405 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि 2022 में बढ़ के 1032 करोड़ का हो गया, बढ़ रहा है लगातार। टोटल एसेट्स पर आप नज़र डालेंगे तो टोटल एसेट्स भी आपको देख लीजिए 2020 में 347 करोड़ थे, जो कि 2022 में 1154 करोड़ के आसपास हो गए, बढ़ते हुए दिख रहे। प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी का IPO दोस्तों ये 2020 में यहाँ पर देखेंगे 43.80 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि 2022 में बढ़कर 56.67 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर हो चुका है। और एक इलेक्ट्रॉनिक फर्म से रिलेटेड कंपनी का काम काज है दोस्तों। उसी के साथ साथ लेटेस्ट GMV क्या चल रहा है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं जरा फटाफट से। तो आप देखेंगे पहले इसकी GMV 28 रुपये के आसपास हुआ करती थी, 15 रुपये के आसपास हुई, और अभी लेटेस्ट में 25 रुपये के आसपास की GMV चल रही है। उसके हिसाब से 10% का लिस्टिंग गेन दिखा रहा है, जो कि पहले यहाँ पर 15% के आसपास आपको देखने के लिए मिल रहा था, वो भी 10% लिस्टिंग गेन दिखा रहा है। तो अब आपके मन में सवाल उठ रहा है कि 10% के हिसाब से हमारा कितना पैसा बनता है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया 68 शेयर का ये लोट है, तो 68/25 आपको यहाँ पर कर देना है। तो अगर एक लोट के लिए आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो आपको 1700 रुपये का बेनिफिट एक लोट पर आपको मिलेगा 10% के हिसाब से। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ, कहीं ना कहीं कल इसका लास्ट दिन है, तो कल और ज़्यादा सब्सक्राइब होने वाला है, और ये 35 तक GMP इसका कल आपको जाता हुआ दिखेगा। लिस्टिंग गेन जो है 15% वापस से आपको जाता हुआ देखने के लिए मिल सकता है। ओवरऑल लिस्टिंग वाले दिन, जिस दिन लिस्टिंग होगी उस दिन आपको कम से कम 20% के आसपास लिस्टिंग गेन देखने के लिए मिल सकता है, और जो GMP है ये कम से कम 45 के आसपास आपको देखने के लिए मिल सकती है। क्योंकि शेयर बाजार जिस तरीके से उछाल मार रहा है, 60,000 इसने क्रॉस किया आज दोस्तों, एक साइकोलॉजिकल सपाटी जो होती है वो यहाँ पर इसने क्रॉस की है, तो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। उसके साथ ही आपको इसका GMP भी बढ़ता हुआ देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। अभी यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट डेट्स पर नज़र डालते हैं। अगर आपने इसमें अप्लाई कर दिया तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अभी इसकी लिस्टिंग कब होने वाली है, हमारा अलॉटमेंट कब आएगा, तो आपको मैं वो भी यहाँ पर बता देता हूँ दोस्तों। देख लीजिए रिटेल कोटा तो आपको पता ही होगा, 35% के आसपास इससे चांसेस हो जाते हैं आपको IPO मिलने के। अभी यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा आपको कब इसका अलॉटमेंट मिला, मतलब बेसिस अलॉटमेंट अगर आप देखते हैं 18 तारीख को इसकी क्लोजिंग डेट है, बेसिस अलॉटमेंट अगर आप देखते हैं तो 23 तारीख को इसकी अलॉटमेंट है। अगर आपको मिल जाता तो ठीक है, नहीं मिलता 24 तारीख को आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। अदरवाइज अगर आपको मिल जाता तो 25 तारीख को आपका जो भी डीमेट अकाउंट है उसमें आपके शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे। अगर अभी तक आपने डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया दोस्तों, तो आपको बता दूं कोई भी IPO में अप्लाई करने के लिए, कोई भी शेयर खरीदने या बेचने के लिए डीमेट अकाउंट का होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर अभी तक आपने नहीं खुला, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से फ्री में आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। फाइनली इसकी लिस्टिंग आप देखते हैं, 26 तारीख को ये लिस्टिंग हो जाएगा और आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अभी जिन जिन ने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है, तो किस किस ने यहाँ पर लिस्टिंग गेन लेने के लिए अप्लाई किया और कौन कौन इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, मुझे कमेंट करके जल्दी से बताना फ्रेंड्स। और भी कोई लेटेस्ट इसकी न्यूज़ निकल कर आती है तो हम अपना वीडियो बना करके आपके लिए ले आएंगे फ्रेंड्स।